बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू द नाइन्थ लेक्चर ऑफ एमटीएच 426 इंट्रोडक्शन टू मैयर थ्योरी। हमारा आज का टॉपिक है सिमिलर सेट्स। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर की एक्सटेंशन में कुछ रिजल्ट्स करेंगे। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट को डिफाइन किया था और उनकी कुछ एग्जांपल स्टडी की थी, तो आज के लेक्चर में हम उन डेफिनेशंस के से रिलेटेड कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सिमिलरिटी मैपिंग, दैट इज ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग, किस टाइप्स की मैपिंग होती हैं और उन मैपिंग्स का इफेक्ट क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल या मैक्सिमल एलिमेंट। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स डिफाइन किए थे, टोटली ऑर्डर्ड सेट्स डिफाइन किए थे और उनकी कुछ एग्जांपल्स स्टडी की थी। रिकॉल दैट के पार्शियल ऑर्डर क्या था। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एक ऐसा रिलेशन था जो हम एक सेट पे डिफाइन करते हैं और वो रिलेशन मेनली तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, दैट इज रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। हर वो रिलेशन जो किसी सेट पे डिफाइन हो और इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे उसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं और वो सेट विद दैट रिलेशन उसको हम पार्शली ऑर्डर्ड सेट कह देते हैं। अब पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स की जो कुछ एग्जांपल्स थी, रिकॉल दैट जैसे मैंने कहा था कि सपोज एक सेट ए ले लें, 1, 2, 3, 4, 5 और इस पे एक रिलेशन डिफाइन कर लें ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, तो ये रिलेशन एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और ए सेट को विद दिस रिलेशन पार्शली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। इसी तरह इस सेट पे हमने फर्दर देखा था कि अगर हम एक रिलेशन आर टू डिफाइन कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x डिवाइड्स y, तो ये भी एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन था, तो ये सेट a विद दिस रिलेशन पार्शली ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। फर्दर हमने लाइन डायग्राम के थ्रू भी पार्शियल ऑर्डर सेट डिफाइन किए थे कि अगर a b c d एक सेट ले लें और इस सेट पे रिलेशन डिफाइन कर दें थ्रू दिस डायग्राम, तो ये डायग्राम जो है जिस रिलेशन को डिफाइन कर रही है वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है इस सेट W पे। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट किया था कि इसमें जरूरी नहीं कि सेट के सारे एलिमेंट ही एक दूसरे से रिलेट हो जाए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेट A देखें और इस पे आर टू रिलेशन देखें, तो इस रिलेशन में 3 और 4 रिलेटेड नहीं है बिकॉज 3 does not divide 4 और 4 और 3 भी रिलेटेड नहीं है बिकॉज 4 does not divide 3। तो सेट के ऑल एलिमेंट्स का रिलेट होना जरूरी नहीं होता पार्शियल ऑर्डर में। अब टोटली ऑर्डर्ड सेट्स क्या थे। ऐसे सेट जिन पे हम एक ऑर्डर डिफाइन करें और इस ऑर्डर में हमने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दी थी कि सबसे पहले तो जो भी रिलेशन डिफाइन करें वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और फर्दर अगर सेट के हर दो एलिमेंट कंपेयरेबल हों, दैट इज अगर ए बी एलिमेंट्स ऑफ सेट लेते हैं तो आइदर ए रिलेटेड टू बी हो या बी रिलेटेड टू ए हो, तो फिर ऐसा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है उसको टोटली ऑर्डर रिलेशन कहते हैं और सेट जो होता है उसको
टोटली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। अब टर्मिनोलॉजी में हमने देखा था कि अगर x रिलेटेड टू y हो तो हम इसको लिख लिया करेंगे x प्रिसीड y, और इसको प्रोनाउंस किया करेंगे कि x प्रिसीड्स y। इसी तरह x स्ट्रिक्टली प्रिसीड y मींस x प्रिसीड्स y एंड x इज नॉट इक्वल टू y। तो ये स्ट्रिक्टली प्रिसीड की नोटेशन थी। इसी तरह x डज नॉट प्रिसीड y मींस x इज नॉट रिलेटेड टू y। फर्दर हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो उसका इनवर्स रिलेशन भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। और इसी तरह R इंटरसेक्शन R इनवर्स, ये हमने स्टार्ट के लेक्चर में देखा था कि ये ऑलवेज कंटेंड होता है डायगोनल में, तो यहां से भी आप इनवर्स रिलेशन की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि अगर R इंटरसेक्शन R इनवर्स कंटेंड हो जाए D में तो वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो पार्शियल ऑर्डर और टोटल ऑर्डर के बाद लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट एंड मैक्सिमल एलिमेंट। तो इसके लिए हमने कहा था कि लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट, देन एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए इफ एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए ए प्रिसीड्स एक्स। यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड सेट का वो एलिमेंट होता है जो अंडर गिवन ऑर्डर सेट के बाकी तमाम एलिमेंट को प्रिसीड करे। इसी तरह लास्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड सेट का ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्डर वाइज सेट के एलिमेंट्स को डोमिनेट करे। मिनिमल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसको कोई एलिमेंट प्रिसीड ना करे, और मैक्सिमल एलिमेंट ऑर्डर सेट का ऐसा एलिमेंट होता है जिसको सेट का कोई एलिमेंट डोमिनेट ना करे। एग्जांपल्स इसमें फर्स्ट एलिमेंट की जो एग्जांपल डिस्कस की थी हमने फर्स्ट, उसमें हमने कहा था कि अगर ए सेट हम नेचुरल नंबर्स का ले लें तो अंडर नेचुरल ऑर्डर दैट इज लेस आर इक्वल वन इज द फर्स्ट एलिमेंट। अब इसमें नोट करें कि क्या वन मिनिमल एलिमेंट है अंडर दिस रिलेशन? यस, वन इज आल्सो मिनिमल बिकॉज वन को कोई एलिमेंट प्रिसीड नहीं कर रहा। अब इस रिलेशन के अंडर इस सेट में कोई एलिमेंट लास्ट एलिमेंट नहीं है और कोई एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, तो हो सकता है कि सेट में फर्स्ट एलिमेंट हो, मिनिमल एलिमेंट हो, बट सेट में मैक्सिमल या लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। दूसरी एग्जांपल जो हमने स्टडी की थी इससे रिलेटेड वो ये थी कि अगर हम से एक सेट ले लेते हैं W इज इक्वल टू ए बी सी डी ई और रिलेशन इंडिकेट एज डायग्राम से तो इस रिलेशन में हमने देखा था कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज अगर आप ई एलिमेंट को चेक करें कि ये फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं तो ई सी को प्रिसीड कर रहा है, ई ए को प्रिसीड कर रहा है, ई बी को प्रिसीड कर रहा है, बट ई डी को प्रिसीड नहीं कर रहा। सो दिस रिलेशन हैज नो फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह डी को भी आप चेक कर सकते हैं कि डी फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली
हमने चेक किया था कि ए और बी लास्ट एलिमेंट नहीं बनते बिकॉज ए एलिमेंट डी को डोमिनेट करता है, सी को डोमिनेट करता है, ई को डोमिनेट करता है, बट ए बी को डोमिनेट नहीं कर रहा। इसी तरह बी एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स को तो डोमिनेट कर रहा है बट ये ए को डोमिनेट नहीं कर रहा है। सो नो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, अब इस डायग्राम में जब हमने मिनिमल एलिमेंट ट्रेस किए थे तो ई और डी ऐसे एलिमेंट हैं जिनको कोई दूसरा एलिमेंट प्रिसीड नहीं कर रहा, सो ई और डी मिनिमल थे। और इसी तरह मैक्सिमल एलिमेंट्स देखें सेट के तो ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं जिनको कोई एलिमेंट डोमिनेट नहीं कर रहा, सो ए और बी जो हैं ये मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं। तो यहां से हमने कंक्लूड किया था कि ये पॉसिबल है कि सेट में फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे लास्ट एग्जिस्ट ना करे, ये पॉसिबल है कि लास्ट एग्जिस्ट करे फर्स्ट एग्जिस्ट ना करे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सेट ले लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं हम माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन अंडर नेचुरल ऑर्डर, तो अंडर नेचुरल ऑर्डर माइनस वन जो है ये डोमिनेट कर रहा है सेट के बाकी एलिमेंट्स को, सो माइनस वन इज द लास्ट एलिमेंट बट इस सेट में फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैक्सिमल एलिमेंट ट्रेस करें इस सेट का तो माइनस वन इज द मैक्सिमल एलिमेंट बट सेट में कोई मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट हम करैक्टराइज करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट से क्या रिलेशन है, यानी अगर किसी सेट में फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो क्या फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में आपने देखा कि सेट के अंदर मिनिमल या मैक्सिमल एलिमेंट्स एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो क्या किसी सेट में फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट भी एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये नेक्स्ट थ्योरम हमें बताएगा। स्टेटमेंट है इन एन ऑर्डर्ड सेट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर यूनिक, तो हम प्रूव करते हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड सेट में फर्स्ट एलिमेंट भी यूनिक होता है और इसी तरह लास्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करे तो वो भी यूनिक होता है। प्रूफ इसका देखते हैं, लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट, टू प्रूव फर्स्ट एलिमेंट is unique, let A1 and A2 be two first elements of A, as A1 is first element, this implies A1 precede X for all X belongs to A. In particular, A2 भी element है A का, this implies A1 precede A2. अब यहां पे नोट करें कि A1 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो A1 बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेट के ऑल एलिमेंट को प्रिसीड करेगा। अगर ऑल एलिमेंट को प्रिसीड करेगा तो इन पर्टिकुलर A2 भी सेट का एलिमेंट है तो A2 को भी प्रिसीड करेगा। अगेन
A2 is also first element. This implies A2 precedes X for all X belongs to A. In particular, A1 belongs to A. This implies A2 precede A1. From 1 and 2, A1 is equal to A2. तो यहां तक प्रूफ को रिविजिट करें कि हमने एक ऑर्डर्ड सेट लिया, फर्स्ट एलिमेंट की यूनिकनेस प्रूव करनी थी, तो हमने अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट एलिमेंट यूनिक नहीं है बल्कि सेट में टू फर्स्ट एलिमेंट्स हैं A1 और A2। तो फर्स्ट हमने A1 को एज ए फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट किया, तो A1 बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्रिसीड्स ऑल एक्स, तो इन पर्टिकुलर A1 प्रिसीड्स A2। सिमिलरली अगर हम A2 को एज ए फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट करते हैं तो A2 भी ऑल एलिमेंट को प्रिसीड करेगा, तो इन पर्टिकुलर ये A1 को भी प्रिसीड करेगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें तो A1 A2 के इक्वल है। तो हमने A1 A2 टू फर्स्ट एलिमेंट्स लिए थे, दिस इंप्लाइज फर्स्ट एलिमेंट इज यूनिक। अब हम प्रूव करते हैं कि सेट में लास्ट एलिमेंट भी यूनिक होता है। लेट B1 एंड B2 बी टू लास्ट एलिमेंट्स इन A। एज B1 इज लास्ट एलिमेंट, दिस इंप्लाइज X प्रिसीड B1 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। तो B1 क्योंकि लास्ट एलिमेंट है तो सेट के बाकी सारे एलिमेंट प्रिसीड करेंगे B1 को, या B1 डोमिनेट करेगा ऑल अदर एलिमेंट्स को। इन पर्टिकुलर B2 बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज B2 प्रिसीड B1। अगेन B2 इज लास्ट एलिमेंट, दिस इंप्लाइज X प्रिसीड B2 फॉर ऑल X। इन पर्टिकुलर B1 प्रिसीड्स B2। फ्रॉम 3 एंड 4 B1 इज इक्वल टू B2। तो यहां आपने देखा कि लास्ट एलिमेंट भी अगर आप मोर देन 1 लेते हैं तो वो इक्वल आ जाते हैं, इट मींस लास्ट एलिमेंट भी यूनिक होगा, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट। डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम में हमने देखा कि अगर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट भी यूनिक होता है और लास्ट एलिमेंट भी यूनिक होता है। लिहाजा अगर आपने किसी सेट में एक फर्स्ट एलिमेंट फाइंड कर लिया है तो वो यूनिक होगा, उसके अलावा कोई फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपने एक लास्ट एलिमेंट ट्रेस कर लिया है तो उस एलिमेंट के अलावा कोई डिफरेंट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट थ्योरम में हम मिनिमल एलिमेंट का क्राइटेरिया देखते हैं कि सेट में मिनिमल एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का क्या रिलेशन होता है। इन एन ऑर्डर्ड सेट इफ ए इज द फर्स्ट एलिमेंट देन ए इज द ओनली मिनिमल एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर सेट में फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो वही वाला एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट होगा। यानी अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट फाइंड कर लिया है और मिनिमल एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है
सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट होगा, उसके अलावा कोई मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आपने देखा था कि अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें अंडर नेचुरल ऑर्डर, तो वन फर्स्ट एलिमेंट है और वन ही इसका मिनिमल एलिमेंट है। तो हमने देखा कि वन के अलावा कोई एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट नहीं है, यानी जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है वही मिनिमल एलिमेंट है। तो अब इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं। लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट गिवन, ए बिलोंग्स टू ए इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, देन ऑफ कोर्स ए इज द मिनिमल एलिमेंट, क्योंकि ए अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो डेफिनेटली ये ऑल एलिमेंट को प्रिसीड करेगा। इसका मतलब है सेट का कोई एलिमेंट ए को प्रिसीड नहीं करेगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ मिनिमल एलिमेंट ए इज द मिनिमल एलिमेंट। टू प्रूव ए इज द ओनली मिनिमल एलिमेंट, लेट ए डैश बिलोंग्स टू ए बी अनदर मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए। एज ए डैश इज मिनिमल, दिस इंप्लाइज एक्स प्रिसीड ए डैश इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए डैश। ये मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। सो इफ ए प्रिसीड ए डैश, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू ए डैश एंड दिस इंप्लाइज ए इज द ओनली मिनिमल एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट, यहां हमने देखा कि सेट में अगर फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो वो मिनिमल भी होता है, और उसके अलावा कोई भी मिनिमल एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। अब सेम रिजल्ट हम लास्ट एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट के लिए देखते हैं। इन एन ऑर्डर्ड सेट इफ बी इज द लास्ट एलिमेंट देन बी इज द ओनली मैक्सिमल एलिमेंट, लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट and B belongs to A is the last element of A, then of course B is the maximal element. अगेन रीजन सेम है कि बी लास्ट एलिमेंट है तो ये गिवन ऑर्डर के अंडर ऑल एलिमेंट्स को डोमिनेट करेगा। जब ये ऑल एलिमेंट्स को डोमिनेट करेगा तो ऑफ कोर्स कोई एलिमेंट इसको डोमिनेट नहीं करेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट बी इज द मैक्सिमल एलिमेंट। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने शो करना है कि बी इज द ओनली मैक्सिमल एलिमेंट। टू प्रूव B is the only maximal element.
इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट बी डैश बी अनदर मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए. सो मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन लगाएं. सो इफ एक्स डोमिनेट बी डैश दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू बी डैश. दिस इंप्लाइज इफ बी डैश precedes B, this implies B dash equal to B, since B dash is maximal. And this implies B is the only maximal element. Of A. सो डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने देखा कि सेट में अगर फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो वही एलिमेंट मिनिमल होता है और उसके अलावा कोई मिनिमल एलिमेंट नहीं होता. और इसी तरह अगर लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो वही एलिमेंट मैक्सिमल होता है, उसके अलावा कोई मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. नेक्स्ट थ्योरम, इन ए टोटली ऑर्डर्ड सेट नो टू मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट. अब इस रिजल्ट में हमने शो करना है, जैसे हमने देखा था कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट में एक से ज्यादा मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा कोट करते हैं कि ए बी सी डी ई और रिलेशन यही वाला जो इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं लाइन डायग्राम्स के थ्रू इसका रिलेशन. तो आपने देखा था ई और डी ये टू मिनिमल एलिमेंट्स हैं. तो हम इंटरेस्टेड इस चीज में ये देखना चाहते हैं कि किस टाइप के सेट्स ने कि उनमें मिनिमल एलिमेंट यूनिक हो. तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इन ए टोटली ऑर्डर्ड सेट नो टू मिनिमल एलिमेंट्स एग्जिस्ट, मीन्स टोटली ऑर्डर्ड सेट्स में मिनिमल एलिमेंट यूनिक होता है. इसका प्रूफ देखते हैं. लेट ए बी ए टोटली ऑर्डर्ड सेट. लेट ए ए डैश बी टू मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ ए. अब हमने शो ये करना है कि मिनिमल एलिमेंट यूनिक है. तो हमने अज्यूम कर लिया है कि सेट में टू मिनिमल एलिमेंट्स हैं ए और ए डैश. As A A dash belongs to A and A is totally ordered, this implies either A precedes A dash or A dash precede A. क्योंकि टोटली ऑर्डर्ड सेट में हर दो एलिमेंट कंपेयरेबल होते हैं. सो ए और ए डैश अगर ए के एलिमेंट्स हैं तो ए और ए डैश कंपेयरेबल होंगे. जब ये कंपेयरेबल होंगे तो या ए प्रिसीड करेगा ए डैश को या फिर ए डैश प्रिसीड करेगा ए को. इफ ए प्रिसीड्स ए डैश, देखें ए डैश हमारे पास मिनिमल एलिमेंट है. तो मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट को प्रिसीड करता है तो वो उस मिनिमल एलिमेंट के
इक्वल होगा. तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू ए डैश सिंस ए डैश इज द मिनिमल एलिमेंट. एंड इफ ए डैश प्रिसीड ए अगेन दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू ए डैश सिंस ए इज द मिनिमल एलिमेंट. बिकॉज ए मिनिमल एलिमेंट है तो अगर ए डैश ए को प्रिसीड कर रहा है तो ए डैश ए के इक्वल होगा. तो ऑप्शन हमारे पास यही थे कि या ए प्रिसीड करेगा ए डैश को या ए डैश प्रिसीड करेगा ए को. रीजन ये थी कि सेट टोटली ऑर्डर है, इसमें टू एलिमेंट्स लिए हैं तो ये कंपेयरेबल होंगे. सो अगर इनको हम कंपेयरेबल लेते हैं तो दोनों केसेस में हमारे पास ए इक्वल टू ए डैश आता है एंड दिस इंप्लाइज मिनिमल एलिमेंट इज यूनिक प्रोवाइडेड दैट कि मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करे टोटली ऑर्डर्ड सेट्स में. अब नेक्स्ट सेम रिजल्ट क्या हम मैक्सिमल एलिमेंट्स के लिए देख सकते हैं कि टोटली ऑर्डर्ड सेट्स में मैक्सिमल एलिमेंट भी यूनिक होता है या नहीं. जस्ट इसको देखते हैं. टू प्रूव मैक्सिमल एलिमेंट इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट लेट बी बी डैश बिलोंग्स टू ए बी टू मैक्सिमल एलिमेंट्स. अगेन ए इज टोटली ऑर्डर्ड दिस इंप्लाइज आइदर बी प्रिसीड बी डैश और बी डैश प्रिसीड बी. अब मैक्सिमल की डेफिनेशन लगाएं कि बी मैक्सिमल एलिमेंट है तो अगर कोई एलिमेंट इसको डोमिनेट करेगा तो वो इसके इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू बी डैश. और अगर बी डैश प्रिसीड बी होता है तो यहां से भी इंप्लाइज बी डैश इज इक्वल टू बी. यहां पे रीजन है सिंस बी इज मैक्सिमल और यहां सेम रीजन सिंस बी डैश इज मैक्सिमल. तो आपने देखा कि टोटली ऑर्डर्ड सेट में अगर मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो वो भी यूनिक होता है. अब यहां तक हम बात कर रहे थे कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट में हो सकता है कि एक से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएं या एक से ज्यादा मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएं. नेक्स्ट थ्योरम में हम इस बात की गारंटी चेक करेंगे कि किस तरह के पार्शली ऑर्डर्ड सेट लिए जाएं कि उनमें कम से कम एक मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए. सो थ्योरम एवरी फाइनाइट पार्शली ऑर्डर्ड सेट हैज एट लीस्ट वन मिनिमल एलिमेंट. हर फाइनाइट पार्शली ऑर्डर्ड सेट में हमने शो करना है कि कम से कम एक मिनिमल एलिमेंट जरूर होता है. लेट ए बी ए फाइनाइट पार्शली ऑर्डर्ड सेट. To prove A has at least one minimal element. Let A1 belongs to A. तो हमने शो करना है कि ए में एटलीस्ट वन मिनिमल एलिमेंट होगा. लेट ए वन बिलोंग्स टू ए.
अब अगर यही ए वन एलिमेंट मिनिमल हुआ तो यही तो हमने शो करना था कि सेट में एटलीस्ट वन मिनिमल एलिमेंट होगा. इफ ए वन इज द मिनिमल एलिमेंट देन नथिंग इज लेफ्ट टू प्रूव. सो अगर ए वन ही मिनिमल हुआ तो थ्योरम कंप्लीट. इफ नॉट, अगर ए वन मिनिमल ना हुआ तो फिर क्या होगा. अब ये मिनिमल नहीं है तो मिनिमल की तो डेफिनेशन ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसको कोई एलिमेंट प्रिसीड ना करे. तो अगर ए वन मिनिमल नहीं है तो इसका मतलब है डेफिनेटली सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए वन को प्रिसीड करेगा. इफ नॉट देन देयर एग्जिस्ट ए टू बिलोंग्स टू ए सच दैट ए टू प्रिसीड ए वन. अब अगर ए टू को प्रिसीड करने वाला कोई एलिमेंट ना मिला तो बाय डेफिनेशन ऑफ मिनिमल एलिमेंट ए टू मिनिमल बन जाएगा. इफ ए टू इज मिनिमल देन थ्योरम इज प्रूव्ड. अगेन यहां हमने इफ की कंडीशन यूज की है. सो इफ नॉट, अगर ऐसा भी ना हुआ तो फिर देन देयर एग्जिस्ट ए थ्री बिलोंग्स टू ए सच दैट ए थ्री प्रिसीड ए टू एंड ए टू प्रिसीड ए वन. अब फिर यहां प्रोसेस को देखें कि अगर ए थ्री को प्रिसीड करने वाला कोई एलिमेंट ना मिला तो ए थ्री मिनिमल बन जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर एक एलिमेंट ए फोर मिलेगा जो प्रिसीड करेगा इसको. कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी हैव ए वन प्रिसीड ए टू प्रिसीड ए थ्री प्रिसीड सो ऑन से ए आई प्रिसीड ए आई प्लस वन प्रिसीड एंड सो ऑन ए एन माइनस वन. अब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें तो हमें सेट के अंदर एलिमेंट्स मिलते जाएंगे कि ए थ्री को प्रिसीड ए फोर करेगा, ए फोर को प्रिसीड ए फाइव करेगा एंड सो ऑन. ये ए एन माइनस वन आ गया और से ए एन माइनस वन को प्रिसीड कर रहा है ए एन. अब क्योंकि ए सेट फाइनाइट सेट है तो ये प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट होगा, क्योंकि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही फाइनाइट हैं तो ये इस प्रोसेस ने कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होना है. देन नो एलिमेंट प्रिसीड्स ए एन, सो ए एन इज द मिनिमल एलिमेंट. तो यहां आपने देखा कि अगर ए वन मिनिमल हो जाता है तो प्रोसेस स्टॉप, अगर ए वन मिनिमल नहीं होता तो इसको प्रिसीड करने वाला एक एलिमेंट ए टू मिलेगा. अब अगर ए टू मिनिमल हो जाता है तो अगेन प्रोसेस स्टॉप, नहीं होता तो फिर एक एलिमेंट ए थ्री मिलेगा. अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो से आफ्टर एन स्टेप्स एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसको कोई एलिमेंट प्रिसीड नहीं करेगा, तो वहीं पे प्रोसेस स्टॉप होगा और वो एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट बन जाएगा. अब सेम कंडीशंस मैक्सिमल एलिमेंट के लिए, एवरी फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट. तो प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है. सो मैं इसका रफ स्केच देता हूं. लेट ए बी अ फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एंड लेट ए वन बिलोंग्स टू ए. इफ ए वन इज द मैक्सिमल एलिमेंट
then theorem is proved. If not, फिर क्या होगा कि अगर ए वन मैक्सिमल नहीं है तो एक एलिमेंट मिलेगा जो डोमिनेट करेगा ए वन को. देन देयर एग्जिस्ट ए टू बिलोंग्स टू ए सच दैट ए टू डोमिनेट्स ए वन. इफ ए टू इज मैक्सिमल, अगेन थ्योरम इज प्रूव्ड. If not, then there exists A3 belongs to A such that A1 precedes A2 and A2 precedes A3. अब अगर A3 को dominate करने वाला कोई element ना मिला तो again process stop, और अगर element मिला तो फिर एक element A4 मिलेगा. इसी तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें. आफ्टर एन स्टेप्स वी हैव ए वन इज डोमिनेटेड बाय ए टू डोमिनेटेड बाय ए थ्री डोमिनेटेड बाय सो ऑन ए एन. अब क्योंकि ए सेट अगेन फाइनाइट है तो ये प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट होगा. एज A is finite, so no element of A dominates An, and this implies An is the maximal element. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने देखा कि फाइनाइट पार्शली ऑर्डर सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन मिनिमल या एटलीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. ओके, मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट्स के बाद नेक्स्ट हम जो डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं वो है लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑफ ए सेट. Let A be an ordered set and B is subset of A. Then an element L belonging to A is said to be lower bound of B if for all X belonging to B, L precedes X. यानी lower bound ordered set का एक ऐसा element होता है जो order wise B set के तमाम element को precede करे. और इसी तरह अपर बाउंड क्या होता है कि यू बिलोंगिंग टू ए सेट टू बी अपर बाउंड ऑफ बी इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी एक्स प्रीसीड्स यू. यानी यू ऐसा एलिमेंट है जो अंडर गिवन ऑर्डर बी सेट के तमाम एलिमेंट्स को डोमिनेट कर रहा है. तो इनफैक्ट नोट करें कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड का सेट में होना जरूरी नहीं है. यानी बी सेट की आप लोअर बाउंड फाइंड कर रहे हैं तो ए ऑर्डर्ड सेट है और बी इसका सबसेट है. तो ऑर्डर्ड सेट का ऐसा एलिमेंट जो अंडर गिवन ऑर्डर बी के तमाम एलिमेंट को प्रिसीड करे वो बी की लोअर बाउंड बन जाएगी. और इसी तरह ऑर्डर्ड सेट का ऐसा एलिमेंट जो अंडर गिवन ऑर्डर बी के तमाम एलिमेंट्स को डोमिनेट करे वो बी की अपर बाउंड बन जाएगी. अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं. इससे पहले टू मोर डेफिनेशन जो इससे रिलेटेड है लोअर और अपर बाउंड से वो डिस्कस कर लेते हैं. इनफिमम या इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड सुप्रीमम विच इज लीस्ट अपर बाउंड. तो इनफैक्ट अब जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आप बी की
ऑल लोअर बाउंड्स फाइंड करें, उन सारी लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट होगी, मीन ऑर्डरवाइज बाकी लोअर बाउंड को डोमिनेट करेगी, उसे हम इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। इसी तरह सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड क्या है, कि आप बी सेट्स के तमाम अपर बाउंड फाइंड करें और अंडर गिवन ऑर्डर जो अपर बाउंड बाकी तमाम अपर बाउंड्स को प्रिसीड करे उसे लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कहेंगे। तो से बी सेट का जो इन्फिमम है इसको हम इन्फिमम ऑफ बी लिखते हैं, और इसी तरह बी का अगर सुप्रीमम फाइंड कर रहे हैं तो इसे हम सुप्रीमम ऑफ बी लिखेंगे। अब बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव और बाउंडेड सेट्स क्या होते हैं? लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन बी इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो if B has a lower bound. Second, B is said to be bounded above if B has an upper bound. तो बाउंडेड बिलो वो सेट होता है जिसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, और बाउंडेड अबव वो सेट होता है जिसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करे। और बाउंडेड सेट कौन सा होता है? बी इज सेट टू बी बाउंडेड इफ बी इज बोथ बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट ए सेट में ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ऑर्डर इसमें लेता हूं नेचुरल ऑर्डर, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर नेचुरल ऑर्डर ले लिया, और बी इसका एक सबसेट डिफाइन करता हूं से 4, 5, 6, 7। अब रिकॉल दैट नेचुरल ऑर्डर से मुराद मेरी यहां लेस आर इक्वल का ऑर्डर है। तो आप देखें कि अंडर दिस ऑर्डर 4 एक ऐसा नंबर है जो लोअर बाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 4 अंडर दिस नेचुरल ऑर्डर प्रिसीड कर रहा है बी के ऑल एलिमेंट्स को। तो 4 एंड ऑल नेचुरल्स लेस देन 4 आर लोअर बाउंड्स ऑफ बी। अब नोट करें कि 4 के अलावा 3, 2, 1 ये तीनों नेचुरल नंबर भी लोअर बाउंड्स हैं बी सेट की। अब नोट करें कि क्या 5 लोअर बाउंड है बी सेट की? आंसर इज नो, बिकॉज 5 ऑर्डर्ड सेट का एलिमेंट तो है, ए का एलिमेंट है, बट ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 5 अंडर नेचुरल ऑर्डर डोमिनेट कर रहा है 4 को, जबकि लोअर बाउंड ऐसा एलिमेंट होता है जो उस ऑर्डर्ड सेट के तमाम एलिमेंट को अंडर गिवन ऑर्डर प्रिसीड करे। सो इसकी लोअर बाउंड्स 4, 3, 2 और 1 है, ये लोअर बाउंड्स है। तो अब इन लोअर बाउंड्स में अंडर नेचुरल ऑर्डर देखें तो 4 ऐसी है
जो डोमिनेट कर रही है बाकी सारी लोअर बाउंड्स को, दिस इंप्लाइज 4 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी, दैट इज इनफिमम ऑफ बी इज इक्वल टू 4. इसी तरह आप चेक करें कि 7 बी सेट की अपर बाउंड है और 7 से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी बी सेट्स की अपर बाउंड हैं. तो इसका मतलब है 7 एंड ऑल नेचुरल्स ग्रेटर देन 7 आर अपर बाउंड्स ऑफ बी. अब इन सारी अपर बाउंड में से वो कौन सी अपर बाउंड है जो बाकी अपर बाउंड्स को प्रिसीड कर रही है, यानी लीस्ट है, तो वो 7 है. तो सुप्रीमम ऑफ सेट बी इज 7. डियर स्टूडेंट, बी सेट का इनफिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, सुप्रीमम भी, यानी बाउंडेड बिलो भी हो गया, बाउंडेड अबव भी हो गया, तो इट मीन्स ये एक बाउंडेड सेट है. अब इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में वी एक सेट में ले लेता हूं ए बी सी डी ई एफ और जी से, ये वी सेट के एलिमेंट हैं और इस पे मैं ऑर्डर इस तरह डिफाइन कर लेता हूं कि ए बी सी डी ई एफ और जी, और ऑर्डर इंडिकेट कर लेता हूं मैं एरोज से. ये वी सेट है और इसका एक सबसेट में डब्ल्यू लेता हूं सी डी और ई से. अब हम डब्ल्यू की लोअर बाउंड्स फाइंड करते हैं. से इसमें मैं ये भी कर लेता हूं कि ऑर्डर में एफ और डी को भी कनेक्ट कर लेता हूं ताकि इसकी लोअर बाउंड्स आए. तो आप नोट करो कि ये सेट मैंने डब्ल्यू मार्क किया है और इसका जो ऑर्डर्ड सेट है, सुपर सेट है, वो वी है. तो नोट करें कि एफ एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट ऑर्डर वाइज डी को प्रिसीड कर रहा है, ट्रांजिटिविटी के थ्रू ये सी को प्रिसीड कर रहा है और ये ई को भी प्रिसीड कर रहा है. सो एफ इज ए लोअर बाउंड. इसी तरह जी को चेक करें तो जी ई को प्रिसीड कर रहा है, जी सी को प्रिसीड कर रहा है, लेकिन जी डी को प्रिसीड नहीं कर रहा. सो एफ इज द लोअर बाउंड ऑफ डब्ल्यू. इसी तरह आप चेक करो कि क्या इसकी कोई अपर बाउंड है. तो आप देख रहे हैं कि सी एलिमेंट ऐसा है जो डी को भी डोमिनेट कर रहा है, ई को भी डोमिनेट कर रहा है, तो सो सी इज एन अपर बाउंड. अब क्या ए अपर बाउंड है, तो ए डोमिनेट कर रहा है सी को, डी को और ई को, सो ए इज आल्सो एन अपर बाउंड. इसी तरह बी को चेक करें तो बी डोमिनेट कर रहा है सी को, डी को और ई को, तो ए बी सी तीनों इसकी अपर बाउंड्स हैं. ए बी सी आर अपर बाउंड्स. अब अपर बाउंड्स भी मिल गई, लोअर बाउंड्स भी मिल गई. अब आपने देखना यह है कि इस सेट में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये आपने चेक करना है इस डायग्राम में. डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हम आज के लेक्चर में एक तो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल, मैक्सिमल, इनको डिफाइन किया और इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की. इसी तरह अब नेक्स्ट सिमिलरिटी मैपिंग क्या है. इनफैक्ट सिमिलरिटी मैपिंग जो है ये ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग होती है कि वैसे तो टू सेट्स जो होते हैं उनके एलिमेंट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते,
क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट डिफरेंट हों, सेकंड के डिफरेंट हों, उनमें कोई कंपैरिजन एग्जिस्ट ना करे, बट सिमिलरिटी मैपिंग जो है ये ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी, यानी जो ऑर्डर डोमेन के एलिमेंट्स में होगा वही ऑर्डर प्रिजर्व होगा रेंज में जाके। तो डेफिनेशन देखते हैं, टू ऑर्डर सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फॉर ए ए डैश बिलोंग्स टू ए एंड ए प्रिसीड ए डैश इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए प्रिसीड एफ ऑफ ए डैश। तो जस्ट मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं इसको कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, से ये दोनों ऑर्डिनरी सेट्स नहीं है, ये ऑर्डर्ड सेट्स हैं, मीन इन पे कोई ना कोई ऑर्डर डिफाइंड है। तो से ए एलिमेंट और ए डैश एलिमेंट जो हैं, ये इस सेट के इस तरह हैं कि ऑर्डर वाइज ए प्रिसीड्स ए डैश। अब ए का इमेज लें एफ ऑफ ए और ए डैश का इमेज लें ये एफ ऑफ ए डैश। नोट दैट ये जरूरी नहीं कि जो ऑर्डर की डेफिनेशन ए सेट में है सेम ऑर्डर की डेफिनेशन बी सेट में हो, ऐसा हरगिज नहीं है। ये सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा कि ऑर्डर की डेफिनेशन सेम भी हम ले सकते हैं, हो सकता है सेम हो, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों सेट में ऑर्डर की डेफिनेशन डिफरेंट हो। तो ए प्रिसीड ए डैश है, अगर ये इंप्लाई करे कि एफ ऑफ ए प्रिसीड्स एफ ऑफ ए डैश, तो आप नोट करें कि प्री इमेजेस में ए प्रिसीड कर रहा था ए डैश में, और जब आपने इमेजेस में चेक किया तो ए का इमेज भी प्रिसीड कर रहा है ए डैश के इमेज को अंडर द ऑर्डर डिफाइंड इन सेट बी। तो इस केस में एफ मैपिंग ने ऑर्डर को प्रिजर्व किया, तो एफ को हम सिमिलरिटी मैपिंग कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में मैं दोनों सेट्स में ऑर्डर सेम रख रहा हूं। लेट ए एक ऑर्डर्ड सेट है से नेचुरल नंबर अंडर नेचुरल ऑर्डर, ये नेचुरल ऑर्डर है इसमें, और बी एक सेट में ले रहा हूं से टू फोर सिक्स एंड सो ऑन, और इसमें भी ऑर्डर में नेचुरल ऑर्डर ही ले रहा हूं, दैट इज लेस आर इक्वल। अब एक मैपिंग डिफाइन करें, डिफाइन एफ फ्रॉम ए टू बी बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू एन। देन एफ इज ए सिमिलरिटी मैपिंग, ये क्यों सिमिलरिटी मैपिंग है इसको देखते हैं। लेट एन वन एन टू बिलोंग्स टू ए सच दैट एन वन प्रिसीड एन टू। अब सेट ए में जो ऑर्डर की डेफिनेशन गिवन है वो नेचुरल ऑर्डर है, इट मींस एन वन अगर प्रिसीड कर रहा है एन टू को, तो दिस इंप्लाइज एन वन इज लेस आर इक्वल टू एन टू, एंड दिस इंप्लाइज टू टाइम्स एन वन लेस आर इक्वल टू टू टाइम्स एन टू, बिकॉज टू पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब मैपिंग हमने डिफाइन किया है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू टू एन, सो टू एन वन मीन्स ये एफ ऑफ एन वन है, और टू एन टू मीन्स एफ ऑफ एन टू है, और ये सेट बी में जो ऑर्डर है उसकी डेफिनेशन है, यानी बी में भी नेचुरल ऑर्डर है। तो आपने देखा कि जो ऑर्डर डोमेन के एलिमेंट्स में था वही रेंज के एलिमेंट में आया, दिस इंप्लाइज एफ इज सिमिलरिटी मैपिंग। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं,
इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम डोमेन में और रेंज में ऑर्डर डिफरेंट डिफाइन करेंगे और स्टिल ये मैपिंग ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग होगी. लेट वी सेट इज 1, 2, 6, 8 एंड ऑर्डर की डेफिनेशन हम ले रहे हैं एक्स डिवाइड्स वाई. तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 divides 2, 2 divides 6 and 2 divides 8 but 6 does not related to 8 or 8 does not related to 6 because na 6 8 ko divide karta hai na 8 6 ko divide karta hai. Aur isi tarah ek set mein w leta hu, say iske elements a b c d le lete hain aur order is given in diagram. Relation is given. से ये A, B, C और D है. तो D precedes C, C precedes B and C precedes A. अब V set में देखें तो मैंने relation की definition ये लिया है कि X divides Y. जबकि W में A, B, C D एलिमेंट से और रिलेशन इंडिकेट किया गया है इस लाइन डायग्राम के थ्रू. अब अगर एक मैपिंग में डिफाइन कर लूं F फ्रॉम V टू W, वो इस तरह कि F ऑफ 1 इज इक्वल टू D, F ऑफ 2 इज इक्वल टू C, F ऑफ 8 is equal to A and F of 6 is equal to B. तो आप नोट कीजिएगा कि ये एक ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग है, ये सिमिलैरिटी मैपिंग है. बिकॉज आप ऑब्जर्व करें कि 1 प्रिसीड कर रहा है 2 को, तो इस डायग्राम में भी D प्रिसीड कर रहा है C को, तो D F of 1 के इक्वल है और C F of 2 के इक्वल है. सो अगर हम 1 प्रिसीड 2 लें तो F of 1 प्रिसीड F of 2 होता है. इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं कि ये मैपिंग ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग है, यानी एक सिमिलैरिटी मैपिंग है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पार्शली ऑर्डर्ड सेट और टोटली ऑर्डर्ड सेट से रिलेटेड कुछ न्यू रिजल्ट्स देखे कि जो मिनिमल मैक्सिमल एलिमेंट हैं या फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हैं ये कब एग्जिस्ट करते हैं ऑर्डर्ड सेट्स में. अगर एग्जिस्ट करते हैं तो अंडर व्हाट कंडीशन मिनिमल एलिमेंट यूनिक होता है, मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक होता है, कब फर्स्ट एलिमेंट मिनिमल बनता है, कब लास्ट एलिमेंट मैक्सिमल बनता है, सेट्स पे क्या कंडीशन हो, ऑर्डर किस तरह का हो, इन सारी बातों को डिस्कस किया. और एट द एंड हमने ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग डिफाइन की, यानी सिमिलरिटी मैपिंग डिफाइन की और सिमिलरिटी मैपिंग की डेफिनेशन देखी और इसके कुछ एग्जांपल स्टडी की. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमिलरिटी मैपिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरम स्टडी करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.